हम चांद के उस हिस्से पर पहुंचे हैं जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था और आज 23 अगस्त को इसकी चंद्रमा पर लैंडिंग हो चुकी है। यूएस, रशिया, चाइना के बाद भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है। चंद्रमा पर 14 दिन सूरज की रोशनी और 14 दिन रात होती है, इसीलिए इसरो ने चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आज मतलब कि 23 अगस्त का दिन चुना, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पर दिन की शुरुआत हुई है। आज चंद्रयान 3 का 42वां दिन है और आज शाम विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतर चुका है। इस 6 व्हील वाले रोवर ने चांद की जमीन पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बनाकर चांद पर भारत की छाप छोड़ी। इसरो दुनिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चांद के साउथ पोल, जहां का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक है, वहां चट्टानों की ऊपरी परत की थर्मोफिजिकल विशेषताएं, चंद्रमा पर बार बार भूकंप का आना और चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा वितरण का अध्ययन करेगा, जिससे यहां पर हो रही गतिविधियों को और समझा जा सके। आज भारत ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और यह दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। लैंडर